हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए परीक्षित बरादे। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक्सेल के शॉर्टकट कीज के बारे में। अगर आप लोगों को एक्सेल में आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, इफिशिएंसी बढ़ानी है, टाइमिंग बढ़ाना है, आपका फास्ट स्पीड करना है, तो आपको एक्सेल के शॉर्टकट कीज पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं एक्सेल वर्कबुक में शीट किस तरह से ऐड करना चाहिए विदाउट यूजिंग माउस, और अगर आपको कोई शीट डिलीट करना है तो किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में लेके आया हूँ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर आपको कोई एक्सेल वर्कबुक में शीट अगर ऐड करनी है आपको, तो उसके लिए शॉर्टकट कीजिए शिफ्ट F11। तो अगर आपको मल्टीपल अगर शीट्स ऐड करनी है, तो आप शिफ्ट F11 से आप शीट्स ऐड कर सकते हो। लेट्स डू द प्रैक्टिकल। जैसे अगर अपन अपने को इस वर्कबुक में अगर शीट्स ऐड करनी है अपने को, तो वी विल जस्ट यूज द फंक्शन शिफ्ट F11। अगर आप देख रहे हो तो शीट्स ऐड होते जा रही है। अगर आपको अभी शीट्स डिलीट करनी है, तो जो भी शीट्स डिलीट करनी है, सपोज 20 नंबर की शीट, शीट नंबर 27 अगर आपको डिलीट करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट कीजिए, दो शॉर्टकट कीजिए। पहली बताऊंगा मैं, Alt-E-L। तो देखिए आप, शीट नंबर 27 डिलीट हो चुकी है। अगर आपको शीट नंबर 26 भी डिलीट करनी है, तो दूसरा फंक्शन बताऊंगा। पहला फंक्शन मैंने बताया Alt+EL, दूसरा फंक्शन है Alt-HDS। देखिए शीट नंबर 26 भी डिलीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमने देखा है, अगर आपको शीट ऐड करनी है तो शिफ्ट F11 दबाना है, और अगर कोई शीट डिलीट करनी है तो उसके लिए दो फंक्शन है, Alt+EL या फिर Alt+HDS। Alt दबाने के बाद आपको एक एक HDS ऐसे कैरेक्टर्स दबाने हैं। अगर आपको मल्टीपल शीट एक साथ में डिलीट करनी है, तो आप वो शीट सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज शीट नंबर 25 और 24 मैंने सिलेक्ट करी है, उसके बाद आप Alt+EL दबा सकते हो। तो देखेंगे दोनों शीट सिलेक्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था कि शीट किस तरह से ऐड कर सकते हैं आप और शीट किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इसी तरह से कुछ एक्सेल के शॉर्टकट्स बताऊंगा, जिससे अपनी एफिशिएंसी बढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव प्रेस बेल आइकॉन बटन to have more such videos. Thank you, friends.